Selvish Gera. I am the director of Teachwell Overseas. कितने साल हो गए हैं सर आपको इस लाइन में? सर आई एम इन टू एजुकेशन पास 25 ईयर्स एंड इन टू काउंसलिंग फ्रॉम पास 15 ईयर्स. ओके ओके. एंड आई हैव काउंसल्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एंड आई हैव टेकन मोर देन 1,000 वर्कशॉप्स इन वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस. बहुत बढ़िया. इवन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. थैंक यू. तो सर व्हाई डू स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड? उतनी अर्निंग नहीं है जितनी उनको अब्रॉड में जाके होती है. फिर अब्रॉड में जाके उनको इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करने का, इंटर्नशिप करने का, रिसर्च करने का, प्रोजेक्ट्स करने का बहुत मौका मिलता है. तो दे प्रेफर स्टडी अब्रॉड. अगर उनको स्कॉलरशिप मिल जाए तो नथिंग लाइक इट. मीन्स ग्रोथ के चांसेस बाहर ज़्यादा हैं उनको ऐसा लगता है. और वाकई में ग्रोथ के चांसेस हैं. देयर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती हैं अगर आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो. और अगर आप जर्मनी जैसी कंट्री में जाओ तो वहाँ पे तो 100% फ्री ट्यूशन फी नहीं है और लिविंग एक्सपेंसेस बच्चे पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लेते हैं. तो इसलिए स्टूडेंट्स अब्रॉड प्रेफर कर रहे हैं आजकल. और ये ट्रेंड पिछले 3-4 सालों में बहुत डेवलप हुआ है. ठीक. बाहर जाके इंडिया से पढ़ने का सबसे सही टाइम क्या होता है एक स्टूडेंट के लिए सर? सर देखो कहीं वो इंडिया का सिस्टम और अब्रॉड के सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि इंडिया में जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होते हैं या आपकी ग्रेजुएशन खत्म होती है तब आप सोचते हो कि मुझे बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, DU के फॉर्म्स भरने हैं. बट स्टडी अब्रॉड में ये प्रोसेस बिल्कुल अलग है. आपको एटलीस्ट 9 months पहले या 1 साल पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होता है. और सेकंड थिंग, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में चाहिए तो अगर आप 9th class में हैं, 10th class में हैं तभी से आपको अपनी कंट्री, कोर्स या कॉलेज का सिलेक्शन कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करना चाहिए. तो ये प्रोसेस अगर मेंटली सोचे तो 3-4 साल पहले स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स को फाइनेंस का भी इंतजाम करना पड़ता है. इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन और आपको मास्टर्स के लिए स्टडी अब्रॉड करना है तो आपको अपने 3 साल इस तरीके से प्लान करने हैं कि आपका रिज्यूमे भी स्ट्रांग बन जाए और आपके पास फंड्स का भी अरेंजमेंट हो जाए और आप रेलेवेंट कोर्स में जा सको. इसलिए आपको प्रोसेस वैसे मेंटली जो है वो 3-4 साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए और प्रैक्टिकली जो है वो 1 ईयर पहले स्टार्ट करना चाहिए. यानी अगर आपको 12th के बाद इमीडिएटली अगर अब्रॉड के लिए जाना है तो आपको 12th की स्टार्टिंग से ही उसमें अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए. उस प्रोसेस में बस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे IELTS और पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन. वो मैं आगे आपको लेटर ऑन जो जो क्वेरीज आएंगी स्टूडेंट्स की मैं बता रहा हूँ. ठीक सर. सर ये थोड़ा सा मेरा भी पर्सनल सवाल है, विच कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड? देखिए सर, कंट्री हर किसी का अपनी चॉइस होती है. कईयों के रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, कईयों को USA अच्छा लगता है, कईयों को ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है, कईयों को कनाडा अच्छा लगता है, कोई UK प्रेफर करते हैं, कई जर्मनी प्रेफर करते हैं. वैसे बेसिकली जो ये top 6 कंट्रीज़ हैं जो मैंने अभी बोली हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, और यूरोप में भी 1-2 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी होगी, फ्रांस होगी, ये स्टूडेंट्स का प्रेफर डेस्टिनेशन रहता है. लेकिन अभी पिछले 2-4 सालों में जो ट्रेंड्स आए हैं, कनाडा इज़ number 1 फॉर एजुकेशन. कनाडा के जो लोग हैं, अगर आप वर्ल्ड वाइड एजुकेशन से, जैसे हमारे इंडिया में केरला में 100% लिटरेसी है, वैसे कनाडा में भी 56% लोग जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट है. मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की लिटरेट कंट्री जो है वो कनाडा है. बहुत. सपोज एक बच्चा क्लियर नहीं है कि वो कौन सी कंट्री में जाके कौन सा कोर्स करे, मतलब उसको क्लैरिटी नहीं है, जाना तो बाहर चाहता है, सो हाउ कैन यू हेल्प सर? सर देखो, क्लैरिटी के लिए हम स्टूडेंट्स के ना 4-5 फैक्टर्स को पहले कंसीडर करते हैं. एक तो उसका देखते हैं कि उसका बजट कितना है जी. एक उसका फैमिली एटमॉस्फेयर क्या है, वो वहाँ पे जाके सेटल होना चाहता है या इंडिया में वापस आके अपने बिजनेस को संभालना चाहता है, यहाँ पे इंडिया में जॉब करना चाहता है जी. थर्ड, उसकी क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसके करियर एस्पेक्ट्स हैं, उसको IT सेक्टर में जाना है, मेडिकल सेक्टर में जाना है, लॉ सेक्टर में जाना है, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज अलग अलग कंट्रीज़ में कुछ जैसे नाम होता है किसी कंट्री का. जैसे USA जो है वो IT वालों का हब है, कनाडा जो है वो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का हब है, UK जो है लिटरेचर वालों का हब है, ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल और नर्सिंग का ज़्यादा स्कोप है. इसीलिए हर बच्चे की अलग अलग थिंकिंग होती है और उसके हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं. okay. उसकी प्रॉपर करियर गाइडेंस करते हैं, उसके पूरा प्रॉपर उसके एप्टीट्यूड टेस्ट लेके उसका एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, इन सबको जॉट डाउन करके एक रिपोर्ट जनरेट होती है. उसके बाद हम गाइड करते हैं कि तेरे लिए कौन सा कोर्स, कौन सा करियर बेटर रहेगा और उसके बजट के अकॉर्डिंगली उसकी क्या यूनिवर्सिटी होगी, क्या कॉलेज होगा, ये सब हम बताते. ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया सर. सर IELTS के एग्ज़ाम के लिए, IELTS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप मदद करते हैं?
सर आईएलटीएस के एग्जाम में हम पूरी मदद करते हैं, हमारी टीम जो है आईएलटीएस की प्रिपरेशन कराती है। आईएलटीएस के एग्जाम दो तरीके का होता है, एक होता है एकेडमिक, एक होता है जनरल। जिन लोगों को फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना है वो आईएलटीएस का एग्जाम एकेडमिक देते हैं, और जिन बच्चों को वहाँ जाके सेटल होना है, पीआर लेनी है, कहीं पेरेंट्स को भी पीआर लेनी है, वो आईएलटीएस का जनरल लेते हैं। आईएलटीएस में 9 बैंड्स होते हैं, 9 में से 6.5 बैंड्स मिनिमम चाहिए होते हैं। Okay. अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं यानी 12th के बाद जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 6.5 बैंड्स चाहिए और लॉट लेस देन 6, राइट? 6 बैंड से भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है वो 7 बैंड्स भी मांगती है, तो आप अपना टारगेट जो है 7 बैंड्स का रखिए, लेकिन 6 बैंड में भी काम हो जाता है। कई स्टूडेंट्स वेबसाइट्स में जाके पढ़ते हैं कि 5.5 बैंड में भी वीजा लग जाता है, लेकिन वहाँ पे वीजा के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसमें रिजेक्शन बहुत होती है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करते हैं कि अगर तुम अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हो तो तुम्हें कम से कम 6 बैंड चाहिए, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो 6.5 बैंड चाहिए, उससे कम नहीं होने। तैयारी आप कराते हैं? तैयारी हमारी पूरी टीम, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड हैं, उन ट्रेनर्स के थ्रू हम तैयारी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं। बहुत बढ़िया सर, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम अराउंड कितना पैसा लग जाता है अब्रॉड भेजने में, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट कनाडा? सर एक्चुअली इसमें ना कुछ पेरेंट्स का और बच्चों का ना मिसकंसेप्शन है, उन वो देखते हैं कि अगर कनाडा की फ़ीस जो है, अगर 80 लाख रुपए, एक साल की फ़ीस 15 लाख है, 4 साल की फ़ीस 60 लाख रुपए हो गई, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो 30 लाख रुपए फ़ीस हो गई, एक साल की 15 लाख है, फिर लिविंग एक्सपेंसेस है, तो वो एस्टिमेट ये करते हैं कि 80 लाख तक, 1 करोड़ तक बजट जाएगा। लेकिन बजट ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आप ये माइंडसेट बना के जाओ कि आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जियोगे, और आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी लोगे, और आप साथ साथ इंटर्नशिप भी करोगे, आप साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करोगे, यानी आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस भी खुद निकालोगे, अपनी ट्यूशन फीस भी खुद निकालोगे। पेरेंट्स को सिर्फ फर्स्ट ईयर की फीस देनी होती है और फर्स्ट ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस देने होते हैं। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख होते हैं। ओके, अगर बच्चा समझदार है और बच्चा पार्टीज नहीं कर रहा, क्लब्स में नहीं जा रहा, फिजूल खर्ची नहीं कर रहा, तो वो अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस इजीली निकाल सकते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं। उससे उसको दो बेनिफिट होंगे, एक तो उसके पैसे निकल जाएंगे, एक उसको वहाँ की कंट्री के लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलेगा और उसको वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 25-30 लाख रुपए अगर आपके पास है, और वो भी लोन के थ्रू हो जाते हैं, लोगों के माइंड में होता है कि लोन कैसे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो सारी हेल्प हम करते हैं, सारी गाइडेंस हम देते हैं कि लोन कैसे लिया जाता है, और लोन के बाद आपको इंस्टॉलमेंट्स भी जो होती हैं कोर्स खत्म होने के बाद देनी होती है। देयर आर फ्यू फैसिलिटीज, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके साथ बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि लोन के बारे में क्या क्या क्वेरीज होती हैं डिटेल में। सर बस इतना पूछूंगा, लोन के अंदर आप मदद पूरी करेंगे? देखो लोन जो है ना, मदद मैं नहीं करूंगा, लोन की मदद हमेशा बैंक देता है, लेकिन लोन के लिए प्रॉपर गाइडेंस जो है वो स्टार्टिंग में हम दे देंगे जी। उसके बाद बैंक से हम आपको कनेक्ट करवाएंगे, और बैंक आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री, सिबिल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, डिफॉल्ट तो नहीं है, कोलेटरल कितना चाहिए, वो सारा बैंक का रोल होता है। हम लोन नहीं करवाएंगे, लेकिन हम लोन के लिए भी गाइडेंस दे देंगे। आपसे मिलना हो तो आपके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं सर? सर मेरा मेन ऑफिस जो है वो रोहिणी में है, दिल्ली में, और मैं वर्चुअली जूम मीटिंग के थ्रू कहीं भी मिल सकता हूँ। आपको सिर्फ एक नीचे जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा उसमें अपनी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, और उसमें आपकी ओरिएंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ओरिएंटेशन के 15-20 मिनट्स में आपकी बेसिक क्वेरीज दी जाएंगी, उसके बाद आपकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट जो फिक्स होगी उसके चार्जेस डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की कंसल्टेंसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली होंगे, लेकिन इनिशियल कंसल्टेशन जो होगी वो फ्री होगी, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू। 9th, 10th में ही बच्चा बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है तो हाउ वुड यू गाइड दैट चाइल्ड? सर मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक चीज़ क्लियर करूँगा कि बाहर जाने के लिए पेरेंट्स को पता होगा कि बहुत सारे एजेंट्स या बहुत सारे कंसल्टेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, बट हाउ वी आर डिफरेंट, हम कैसे डिफरेंट है सबसे? हम एजेंट नहीं हैं, हम एक करियर काउंसलर हैं। मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया अपने इंट्रोडक्शन में, मेरे को 25 ईयर्स हो गए एजुकेशन में। तो मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ ये प्रेफर करता हूँ कि स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। टॉप यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया सिर्फ अच्छी परसेंटेज नहीं होती, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है कि जी आपके 95% मार्क्स आ गए तो आपको एडमिशन मिल गया। वहाँ पे आपको एकेडमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्ट्रांग होना
स्ट्रांग होना पड़ता है। बिल्कुल, इसके लिए आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है। प्रोफाइल में आपको काफ़ी सारी इंटर्नशिप, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, प्रोफाइल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व करूंगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका सैट स्कोर अच्छा है, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में 50-70% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यानी आपकी 1 करोड़ की फीस अगर 25 लाख रुपये हो जाए, जो इंडिया में भी उतनी ही है, और आपको वहाँ से प्लेसमेंट सीधा 1-1.5 करोड़ की मिल जाए, तो कोई भी पेरेंट्स इसको मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको 9th या 10th क्लास से ही सीरियस होना पड़ेगा अगर आपको वाकई में स्टडी अब्रॉड करना है। जैसे IIT के स्टूडेंट्स 10th क्लास के बाद ही 2 साल की JEE की या NEET की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनका एम होता है कि उनको फॉरेन कंट्री, उनको IIT में सीट चाहिए या मेडिकल में सीट चाहिए। इसी तरह फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आपको सीट चाहिए तो आपको IIT JEE की तरह प्रिपरेशन नहीं करनी, लेकिन आपको अपने प्रोफाइल बिल्डअप करना है। प्रोफाइल में 25-30 एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए मैं डिटेल में मैंने आपको बताया कि वीडियो बाद में बनाएंगे, बट उस एक्टिविटीज के लिए अगर आप चाहो तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि वो रेलेवेंट फील्ड होनी चाहिए, रेलेवेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए कि किस फील्ड में आपको जाना है। आपको लॉ में जाना है, आपको IIT में जाना है, आपको मैनेजमेंट में जाना है, आपको आर्किटेक्चर में जाना है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। ठीक सर, एजेंट्स से कैसे बचे, लोगों को कैसे लोग मिसगाइड करते हैं, थोड़ा सा बताइए धोखे से कैसे बचे। सर, एजेंट्स क्या होते हैं कि एजेंट्स, जब भी आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो वो आपको हमेशा ये कहता है कि ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इसमें अप्लाई कर लो। वो आपको अपनी तरफ से ऑप्शंस देता है, जबकि आपको गूगल पे पहले रिसर्च करना चाहिए, आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एजेंट कभी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको टॉप यूनिवर्सिटीज़ से कोई भी किसी भी तरीके का इंसेंटिव नहीं मिलता। तो एज अ काउंसलर हम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपका ये क्राइटेरिया है, आपको ये प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, आपको इतना एकेडमिक स्कोर लाना पड़ेगा, इतना सैट या जीमेट या जीआरई स्कोर लाना पड़ेगा। एजेंट कहता है कि आप सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसको उस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रमोशन के लिए इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, बीइंग ए काउंसलर हम हमेशा पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप अपनी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करो, हम उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस में और उसमें एडमिशन में आपका सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम नॉमिनल चार्जेस देते हैं जो फेयर है, फेयर है, और वो हमारी सर्विस चार्जेस है, डिजर्व भी करते हो, जिसमें हम सारे उसके एसेज, SOPs, उसकी सारी एप्लीकेशन फाइलिंग, डेडलाइन मैनेजमेंट, उसके बाद एकोमोडेशन, लोन असिस्टेंस, वीज़ा, सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं।